आज के समय में स्मार्टफोन कौन इस्तेमाल नहीं करता, और कुछ खरीदना हो तो जेब में हाथ वॉलेट निकालने के लिए नहीं बल्कि स्मार्टफोन निकालने के लिए करते हैं, ताकि डिजिटल पेमेंट आसानी से कैशलेस तरीके से हो सके। अब ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं जिसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा। ऐसे में आपको 31 दिसंबर से पहले सारे काम निपटा लेने चाहिए, वरना आप मोबाइल फ़ोन से UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो सकता है, मतलब एक तरह से आपका फ़ोन डिब्बा बनकर रह जाएगा। अगर आपने UPI ID का 1 साल या उससे ज़्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपकी UPI ID को 31 दिसंबर 2023 के बाद बंद कर दिया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2024 से UPI पेमेंट जैसे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए 31 दिसंबर तक UPI ID को ब्लॉक करना होगा। नए साल से UPI सिम कार्ड लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार नए नियम लागू कर रही है जिससे नया सिम लेने पर बायोमेट्रिक डिटेल देनी होगी। मोदी सरकार ने बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पास करवा लिया है, इसके बाद यह बिल कानून बन जाएगा। जिन जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल 1 या 2 साल से नहीं किया गया है, गूगल ऐसे सभी जीमेल अकाउंट को बंद करने जा रहा है। नया नियम पर्सनल जीमेल अकाउंट पर लागू होगा, जबकि नया नियम स्कूलों और कारोबारी अकाउंट पर लागू नहीं होगा। ऐसे में अगर आपने पुराने जीमेल अकाउंट का यूज़ नहीं किया है तो उसे एक्टिवेट रखना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूएबल को 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करने का आदेश दिया है। बता दें कि नए साल से नया लॉकर नियम लागू होना है, ऐसे में आपको 31 दिसंबर तक मंजूरी दे देनी होगी, वरना आप लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डीमेट अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर तक नॉमिनी की जानकारी अपडेट करनी होगी। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे 3 महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो अपने साथियों को साझा जरूर कर लें, ताकि किसी का भला हो सके।